हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ हैप्पी के लिए लंच स्कूल ले जाने के लिए। तो कुछ समझ में नहीं आता, बनाएं तो बनाएं क्या, तो मुझे जो समझ में आता है वही बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए थे, तो आलू की जो मतलब आलू बॉयल किए थे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वही जीरा आलू, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ मतलब नाश्ते में क्या बनाएं, तो यही बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया था और टमाटर कट करके डाल दिए थे और एक मिर्च डाल दी थी, और यहाँ पे आलू जो हमने बॉईल किए थे और इस तरीके से कट कर लिए थे, तो इसको भी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आपको किसी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि बाहर बच्चे पता नहीं सीटी वीटी बजा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ हमारे पास तक आ रही है, तो हो सकता है आपको भी सुनाई दे रही हो। तो यहाँ पे हमारे जो आलू थे हमने डाल दिए, अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, और इसमें हम एक नींबू निचोड़ देंगे। और इसमें फ्रेंड्स हमने डाला है काला वाला नमक, और वैसे बाकी मसाले कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ इतने से ही अच्छा लगता है खाने में। और डाल देंगे हरी धनिया, और हमारी यहाँ पे एक साइड बन रही थी तो चाय भी बन रही थी, तो सुबह के आज नाश्ते में है चाय और जीरा आलू। तो यहाँ पे धनिया भी डाल दी है, तो कैसे लग रहे हैं? तो आप लोग भी आइए हमारे नाश्ते का एंजॉय करिए आके। सो फ्रेंड्स, हैप्पी का लगाना है टिफ़िन, तो हैप्पी को मिठाई भी ले जानी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उन्हें कौन सी चाहिए, जो उनका मन होगा वही मैं दूंगी। तो इनका मन नहीं था ये वाली मिठाई खाने का, तो इन्हें चाहिए, आपको अभी दिखाऊंगी। जो ये लड्डू आपको दिख रहे हैं, ये पूरे मतलब मावा वाले लड्डू हैं फ्रेंड्स। सारे कुछ इसमें काजू बादाम वगैरह सारा पड़ा है, और वैसा कुछ भी नहीं है, तो और शुद्ध देसी घी का है। और ये बालूशाही रखी है, और यहाँ पे एक साइड हमने इनके जीरा आलू भी एक छोटी सी टिफ़िन में लगा दिए हैं, और एक वो जो बड़ा सा टिफ़िन है उसमें हमने लड्डू रख दिया है उन्हें, और थोड़ी सी क्या रखी थी दिख नहीं रहा है, शायद दो लड्डू ले जा रही हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिए हमारे ब्लॉग को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और फ्रेंड्स मतलब हैप्पी तो चली जा चुकी हैं स्कूल, और अब हैप्पी को जीरा आलू पता है, जब से मैंने व्रत में बनाए हैं उन्हें इतना अच्छा उसका टेस्ट लगने लगा है कि अब वो अक्सर हमसे जीरा आलू बनवाती हैं। बच्चे हैं और उन्हें अच्छा, अब बोल रही थी मम्मा हमें साबूदाना भी डालो, तो मैंने कहा साबूदाना मत डालो ये तो फिर पूरा व्रत जैसा हो जाएगा। बोली नहीं डालना है मुझे, डाल दो। तो मैंने मतलब पानी में रखा नहीं था पहले से, वरना डाल देती मैं, और उसको इतना अच्छा लगता है, तो हम लोग भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत चाय के साथ। इनको भी दे दिए, हमने भी खा लिया, हैप्पी टू स्कूल लेके चली गई। और अभी बनाना है खाना, तो खाने में क्या बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हैं आपसे। और फ्रेंड्स, इतनी अच्छी हवा चल रही है इस समय, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत जोरों वाली चल रही है, मतलब आंधी टाइप में चल रही है। तो अब पंखा या कूलर की बिल्कुल 1% ज़रूरत नहीं है कि चला लो, और हवा बंद हो जाए तो भले ही गर्मी लगे, लेकिन नहीं तो अब बहुत ही अच्छी हवा ठंडी ठंडी चल रही है। और फ्रेंड्स, मेरा अभी गाल मतलब हल्की फुल्की स्वेलिंग बची है, लेकिन पहले से बहुत ही बेटर है। ये वाला देखो चिपका चिपका है, ये वाला फूला है, तो अब थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन पहले से बहुत ही बेटर हो गया है। और ऐसा लग रहा था, पहले तो ऐसा लग रहा था सारे घर का सभी सदस्यों का मोटापा हमारे ऊपर चढ़ गया है, काफ़ी मोटा, बहुत बेकार लग रहा था बात करने में, और बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो अच्छे से बातें कर रहे हैं आपसे, बोल भी रहे हैं, और देखो चोटी वगैरह कुछ नहीं हुई है क्योंकि काम ही हुई, और मेरी मेहंदी सारी छूट चुकी है, किस किस की छूटी। और फ्रेंड्स, इतना काम हो जाता है कि पोछा मेरा 1 घंटे का, ये सभी का पोछा होता है, लेकिन मैं वाइपर नहीं मारती हूँ, मतलब हाथ से ही मैं लगा दी हूँ, तो और मेरी जल्दी मेहंदी उतर गई है। और कपड़े वगैरह भी हो जाते हैं, मैं मशीन भी नहीं लगाती हूँ, हाथ ही से वॉश करती हूँ, तो इसीलिए हमारी मेहंदी बहुत ही जल्दी, और मुझे मेहंदी वेहंदी का शौक भी नहीं है ज़्यादा, बट अच्छा नहीं लग रहा था, सबके हाथों में लगती है तो अपने हाथ फिर मन हो जाता है, मतलब हो जाता है कि हाँ चलो लगा लेते हैं, शौक चढ़ाता है मेहंदी लगाने का। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं किचन में, बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनाएंगे? सिंपल सी आज सब्जी बनाएंगे आलू कुंदरू की, तो वही शेयर करेंगे आपके साथ। बनानी आती है बट आपको दिखा देंगे, हम बनाएंगे तो दिखा देंगे, कोई रेसिपी वगैरह तो शेयर नहीं करेंगे, मतलब बना रहे हैं आज तो आपके साथ के लिए दिखा देंगे हम कैसे बनाते हैं, तो आप लोग देख लेना। और रोटी बनाएंगे और चावल बनाएंगे, क्योंकि
बिना चावल के हैप्पी का पेट ही नहीं भरता, हैप्पी क्या मेरा भी नहीं भरता अभी। और ये चावल वगैरह नहीं ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है चावल। और मुझे ये मतलब खाते हैं दाल के साथ चावल खाते हैं, वैसे अगर सब्जी वब्जी में कहो तो ये सब्जी के साथ चावल नहीं खाएंगे। और मुझे तो सब्जी चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल जो और मतलब मठे के आलू चावल, मुझे तो चावल हर चीज़ में पसंद है, बस सूखी सब्जी छोड़ के बाकी हर चीज़ में मुझे चावल तो चाहिए ही चाहिए हैं। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं किचन में बनाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। उंगली दिखा के बोल रही हूँ एंड तक देखना, आप लोग एंड तक नहीं देखते हो, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोग एंड तक नहीं देखते हो, सिर्फ जल्दी जल्दी से लाइक कर देते हो, कमेंट छोड़ देते हो, बहुत ऐसा नहीं है सभी लोग करते हैं, बहुत से हमारे फ्रेंड्स पूरा भी देखते हैं और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं बस लाइक किया कमेंट किया निकल दिए कि मतलब हाँ हम आए थे आपकी वीडियो पे देखा है बस इतना हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स सभी की, ये समस्या हो रही है मेरी नहीं सबके साथ यही समस्या है कि प्लीज़ फुल वॉच करिए, प्लीज़ फुल वॉच करिए, तो प्लीज़ फुल नहीं तो आधा तो वॉच कर ही लीजिए ठीक है। तो चलो चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं फिर आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्ज़ी। तो डाल दिया है ऑयल और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें ऐड कर दिया है जीरा और जीरा हमारा अच्छे से क्रैक हो जाएगा। तो इसमें हमने कट करके डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ी सबको बनानी आती है बट तरीका मैं दिखा रही हूँ, बार बार बोलती हूँ अपना अपना तरीका अलग है, आपका अपना है मेरा अपना है, तो मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं कैसे बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाल दिए हैं टमाटर और टमाटर जब हमारे अच्छे से गल जाएं तो इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। तो नमक से बहुत ही जल्दी है जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, और वरना थोड़ा सा टाइम लगता है, गल तो जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उन्हें गलाने में, और नमक डाल दो तो बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो और फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, तो शायद हमने मसाला जो हमने डाला है वो शायद फ्रेंड्स शायद मैंने शेयर नहीं किया, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे हमें मतलब वही डाला था सब्जी मसाला, गरम मसाला, कलर मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जो सारे मसाले डाले जाते हैं वही डाला था। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे पानी और मतलब कि हमारे मसाले जले ना, और यहाँ पे मसाले अच्छे से हो चुके थे तो इसमें हमने जो आलू परवल कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स हमें बनाने हैं चावल, तो चावल के हिसाब से हम सब्जी बनाएंगे। तो हमें ये आलू और जो परवल नहीं है, सॉरी मैं भी पता नहीं क्या बोलती जाती हूँ, और यहाँ पे कुंदरू है, आलू कुंदरू की सब्ज़ी तो रसीली बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है पानी चावल के हिसाब से जैसा हमें चाहिए, और इसको ढक देंगे ढक्कन से, हम थोड़ा वेट करेंगे। तो आप लोग भी आइए, पूरा हमने खाना नहीं दिखाया है। सो फ्रेंड्स व्लॉग का करना है एंड, और आप लोकेशन देख के समझ गए होंगे बैकग्राउंड देख के कि मैं बैठी हूँ अपनी छत पे सबसे ऊपर, और हैप्पी देखो तिरंगा के पास खड़ी हैं। सो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पे वरना लेंथी वीडियो हो जाएगा। बस कुछ कहना का कहना चाहोगी हैप्पी? 15 अगस्त में कौन सा गाना सुनाया था आपने? हम छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने डांस किया था। किस सॉन्ग पे? देश रंग लीला रंग। ओके अच्छा लगा था? हाँ। मुझे बहुत मजा आया था स्कूल पे, मेरी फ्रेंड नहीं आई थी। मैं ही गई थी मतलब कल, मेरी फ्रेंड नहीं आई थी। क्यों? एक फ्रेंड आई थी। सो फ्रेंड्स अभी बनाना है शाम का खाना, और सुबह बनाया था सब्जी चावल रोटी। सब्जी तो शेयर की थी बट रोटी नहीं दिखाई थी आप लोगों को, और ना चावल दिखाए थे। सब्जी चावल क्या दिखाना, अच्छा बनाओ तो शेयर करो, बट मैंने दिखाया नहीं फ्रेंड्स इसीलिए। तो शाम का टाइम है, अब फिर बनाएंगे जाके खाना। तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और बाल देखो पता नहीं कितने वाइट 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 पूरे हो गए मेरे, तो बुढ़ापा आ गया मम्मी। हैप्पी की मम्मा बूढ़ी हो गई। नहीं हो गई, रसीली हो गई। क्या हो गई? ताकतवर हो गई। ताकतवर।
तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे व्लॉग के साथ। जो भी भाई बहन हमारे न्यू आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन को मिल जाए। तो फ्रेंड्स कर दो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, अच्छा मैं तो शेयर कर नहीं कहती हूँ, शेयर इतना कहना भूल जाती हूँ, तो इन्होंने कह दिया मेरी बिट्टू रानी ने पूरा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अब तो गर्मी नहीं है, क्या हो चुकी है सर्दी, सर्दी नहीं लेकिन ठंडक हो गई है अच्छी खासी। अब अच्छा लगता है, ज्यादा मतलब गर्मी नहीं है कि किचन में जाओ तो जी घबराए। पहले तो बड़ा बेहाल हो गए थे सब लोग गर्मी की वजह से, बहुत परेशान थे। और मेरी आंखें में ऐसा लगता है जैसे काजल लगाओ, बट नहीं लगा फ्रेंड्स काजल लाजल कुछ नहीं लगा है, और देखने में लग रहा है काली काली आंखें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।